नमस्कार, इस वक्त आप मुझे न्यूज 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देखिए, राजनीतिक गलियारों में इस वक्त लोकसभा चुनावों का शोर आपको नजर आ रहा होगा, किससे कहानियां जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस दिलचस्प जो है वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है, सबकी नजरें वहां पर टिकी हुई हैं। अब बीजेपी ने तो दे दिया है नारा कि 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीतने वाले हैं। वहाँ पर वो जो दो लड़के हैं, 2017 वाली जो लड़कों वाली जोड़ी है, वो एक बार फिर से वापस आ गई है। आपने देखा, कल मंच भी साझा किया गया है, 63-17 का जो फॉर्मूला है वो अब एक बार फिर से जो है वो जोड़ी 2024 में कमाल करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब 2017 में जो साइकिल चली थी वो तो पंक्चर हो गई, जनता ने उसे पंक्चर कर दिया। अब ये यारी, ये दोस्ती, ये साइकिल एक बार फिर से चली है 2024 के लिए। अब जब हम सभी खेमों की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए छोटे छोटे जो दल हैं वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, फिर बदल हो रहा है, दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में एक खेमा वो है मायावती का, जो मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश की रही हैं, 10 सांसद हैं उनके, उस पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। और देखिए, आपने बीजेपी का एक फॉर्मूला तो आपने देखा ही होगा, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर बीजेपी पिछले चुनावों में कमज़ोर रही है वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहती है। और 80 में से अगर 10 लोकसभा सांसद बसपा के हैं तो नज़रें तो ज़रूर होंगी। अब आपने हाल ही में देखा ही होगा कि किस तरीके से बसपा की हालत जो है वो ख़राब होती नज़र आ रही, ख़राब इन द सेंस कि उनके जो सांसद हैं वो नाराज़ तो चल ही रहे थे, अब एक एक करके टूटते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हाल ही में आपने रितेश पांडे को तो देखा ही होगा, दो दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, सुबह उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब उनकी तरफ से ये कहा गया कि पार्टी में कोई उनकी सुनता नहीं था, मायावती से वो बातचीत नहीं कर पाते थे, कोई संवाद पार्टी में नहीं हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से वो प्रभावित हो गए। अब इसके अलावा रितेश पांडे जैसे ही गए, अब टूट की खबरें बसपा में लगातार आ रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बसपा में भगदड़ मच गई है, कोई सांसद सपा के संपर्क में है, कोई कांग्रेस के संपर्क में है, अब 3 से 4 सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, कुछ लोगों ने अमित शाह से मुलाकात कर ली है, कोई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात वो कर चुके हैं और जल्द ही ये लोग अपना अपना खेमा जो है वो चुन सकते हैं। अब जानकारी तो यही मिल पा रही है कि जो वेस्ट यूपी है वहाँ पर जो सांसद वहाँ से हैं वो रालोद के साथ जा सकते हैं, और रालोद का तो आपने देखा ही है, हाल ही में बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो चुका है और वो चाहते हैं कि जो रालोद के साथ अगर वो जाते हैं तो वहीं से रालोद के टिकट पर वो वहाँ से चुनाव लड़ें और एक बार जीत दर्ज कर लें, क्योंकि बसपा ने तो कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। अब जितने भी सांसद हैं उनको ये उम्मीद नहीं है कि वो जीत पाएंगी और यही वजह है कि अब बसपा में ये भगदड़ जो है वो मचती हुई नजर आ रही है। और माना ये जा रहा है कि 3 और ऐसे सांसद हैं जो बसपा में शामिल हो सकते हैं, 2 की बातचीत कांग्रेस के साथ चल रही है। अच्छा, गाजीपुर से जो सांसद हैं अफजल अंसारी, वो समाजवादी पार्टी में पहले ही जा चुके हैं और वहां से टिकट भी समाजवादी पार्टी उन्हें दे चुकी है। तो आप देखिए कि कुल मिलाकर लगभग 8 ऐसे सांसद हैं जो दूसरी अन्य पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, वहां जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको जीत की उम्मीद जो है वह या तो बीजेपी में नजर आ रही है, कांग्रेस में, या समाजवादी पार्टी में। अब सिर्फ केवल 2 सांसद जो हैं वो मायावती के पास अभी फिलहाल हैं और मायावती इसके बाद क्या करेंगी, क्योंकि देखिए अकेले चुनाव लड़ने की बात उनकी तरफ से कह दी गई है। विधानसभा चुनावों में आपने तो उनका हश्र देखा ही है, इससे पहले 2019 की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ा था, तभी 10 सांसद जीत कर आए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जब वो गठबंधन टूटा ना उसके बाद, फिर बहुजन समाज पार्टी ने जब विधानसभा चुनाव अकेले लड़े तो एक विधायक वो जीत पाई। तो ऐसे में मायावती ने रिएक्शन तो दिया, लेकिन मायावती पहले तो ये कह गई कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी से कोई भी चला जाए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से ये खबरें आने लगी कि रितेश पांडे जा रहे हैं, उसके बाद 3 और सांसद जा सकते हैं, 2 और जा सकते हैं, उसके बाद उनकी थोड़ी सी हमने देखा कि उनकी
ध्वनि में थोड़ी सी विनम्रता आई, थोड़ी सी विनम्रता उनके एटीट्यूड में आया और उन्होंने अपनी विचारधारा जो जिस नींव पर बसपा को रखा गया था उस विचारधारा को याद दिलाते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं, हम पूंजीपतियों के विचारधारा से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और अपॉर्चुनिस्टिक नहीं हैं हम। जहाँ पर लोगों को जीत की उम्मीद लग रही है वहाँ पर अगर वो जाना चाह रहे हैं पहले अपने अंदर झांक कर देखें कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया, वहाँ की जनता के लिए वो कितनी बार मौजूद रहे हैं, इससे पहले कि वो मुझसे सवाल पूछें कि हम पार्टी लाइन पर अपनी बात नहीं रख पा रहे थे या हम मायावती से डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे थे। तो अभी बसपा की स्थिति ये है कि भगदड़ बसपा में मची हुई है, सांसद इधर उधर जाना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए चुनावी सीजन है, दल बदल का मौसम तो है ही, अब सभी चाहते हैं कि वो अपनी कुर्सी को बचाए रखें। अब आगे आने वाले दिनों में बसपा का क्या हाल होता है इस पर हमारी नज़रें टिकी हुई हैं, लेकिन देखिए चुनाव आपको ही करना है कि आपको अपना सांसद किस रूप में चाहिए, काम करने वाला चाहिए, पार्टी सिंबल वाला चाहिए या चेहरे वाला चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की चुनावी बातें इसी तरीके से हम जारी रखेंगे, बसपा के हालात पर उसके फ्यूचर पर भी बातचीत करते रहेंगे।